पीछे बंद करो दरवाजा, बंद करो भाई दरवाजा तो बंद कर लेते हैं। सर आई एम विशेष महाजन डिप्टी कमिश्नर डोडा, वी वेलकम यू। कुछ नहीं बने वेलकम सर, एसएसपी डोडा सर, अलग अलग देंगे क्या? थैंक यू। इम्तियाज मीर हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डोडा। आज यहाँ चीफ जस्टिस आए हुए थे ई फाइलिंग के एक सेंटर को, विधि सेवा केंद्र को इनॉग्रेट करने के लिए, और जस्टिस ओसवाल जो डिस्ट्रिक्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं यहाँ के, वो भी उनके साथ आए हुए थे। तो हमने यहाँ बार एसोसिएशन की तरफ से यहाँ की कुछ डिमांडें रखी, जैसे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में यहाँ एडिशनल सेशन जज नहीं है, और पिछले 3-4 साल से वो हमने उनको कहा कि वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर दीजिए, और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट्स हैं यहाँ पे उनको भी बाहर जाना पड़ता है हफ्ते में एक बार, तो उनको भी कहा कि उनको परमानेंट यहाँ कर दीजिए, ताकि यहाँ की पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, बार को इनकन्वीनियंस ना हो। तो और भी कोई बहुत सारे मामला, जैसे बार के मेम्बर्स के लिए यहाँ जो ये चैम्बर्स हैं उनके बारे में भी बात हुई, और भी जो एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ मामलात हैं, हाईकोर्ट में पड़ी हुई हैं अपीलें, उसके बारे में भी हमने चीफ जस्टिस साहब को कहा। बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया, बड़े ह्यूमनली उन्होंने सुना, बड़ी अच्छी हियरिंग दी उन्होंने, और कहा कि जो भी पॉसिबल होगा हम करेंगे और आपकी ग्रीवांसिस को रिड्रेस करेंगे। बड़ी पेशेंट हियरिंग दी उन्होंने, सब मामले सुने हमारे सभी मेम्बर्स के, और उन्होंने वादा भी किया कि हम आपके मामलात को ठीक करेंगे। यानी पुराना कोर्ट भी है जो दिफंगा भी पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं? वो असल में वो बिल्डिंग जो है वहाँ पर, वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, वहाँ नई चीज़ें बनेंगी कुछ, कोई यहाँ वहाँ जुडिशल ऑफिसर्स के क्वार्टर्स बनेंगे, कॉलोनी बनेगी, कुछ ना कुछ बनेगा वहाँ पर। नहीं, उसके बारे में नहीं हुई, लेकिन वो फाइल पेंडिंग है उनके पास, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे उसमें, वहाँ बना लेंगे। हाई यहाँ जानकारी लेते हैं।